यार ये पबजी के अंदर उस तरह से लोग सामने, मतलब मुझे कहीं से गोली आके ठुकती है ना तौन दे विच, तब मुझे पता लगता है कि कुछ है इधर उधर, वरना मुझे बंदे नहीं मिल रहे, या तो मैप बहुत ज्यादा बड़ा है या क्या सीन है। आज आपके भाई के थे दो एग्जाम्स, उत्ते थल्ले दो एग्जाम्स, 11:15 शुरू हुआ और तकरीबन 1:30-2 बजे खत्म हुआ एग्जाम जाके मेरा। 3, 2, 1। खैर अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई आपका शानदार जबरदस्त एकदम जिंदाबाद। घर के अंदर ग्लासेस कौन लगाता है, तुम घर में भी सन ग्लासेस लगाते हो? सामने भाई फ्लिप अप स्क्रीन के अंदर मुझे देखना पड़ता है, तो इसलिए ये ग्लासेस मैंने लगाए होते हैं। खैर जो कल मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसके नीचे कुछ कमेंट्स मैंने पड़े हुए ये थे कि भाई इसी जगह पे तुम रात को जाके दिखाओ। मैं क्या तुसी अपने प्राणों मरवाना चाहते हो, मतलब रात को उस जगह पे? मैं तो वैसे ही बड़ा डरपोक किस्म का इंसान हूँ, ऐसे किस्म रात को मैं अकेला नहीं जा सकता, नदीम के साथ भी मेरे ख्याल हम दो तो नहीं जा सकते, लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड। बंटी आएगा ईद पे, मैं बंटी और दीमा हम तीनों जाएंगे और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया, अकेले नहीं किया, आपने ये कहा भी नहीं कि अकेले जाके दिखाओ। तो यार मैंने जो गेमिंग पीसी वाली वीडियो बनाई थी उस पर बहुत से कमेंट्स थे कि पबजी खेलो, मुझे मतलब पबजी का मैंने सुना हुआ है, मैंने खेली कभी नहीं है। गेम्स के बारे में आप लोगों को पता है कि आपका भाई बड़ा एक फारिग इंसान है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में खेलता हूँ, एक टीम बना के खेलता हूँ धड़ाधड़। आपके भाई का बड़ा अच्छा खासा लेवल है, मेरे ख्याल 64 है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि 64 है या कम है, इससे ये ज्यादा है। मैं खुद ही अपना लेवल कॉल ऑफ ड्यूटी में कम बताई जा रहा था, मुझे क्या पता भाई का अच्छा खासा लेवल हुआ है 89। कॉल ऑफ ड्यूटी हम खेलते रहते हैं, आपके भाई का हाथ भी बहुत सीधा है कॉल ऑफ ड्यूटी में। तो आज मैं पबजी ट्राई करता हूँ पहली बार जिंदगी में, पहली बार मतलब पबजी की एक ही याद है मेरे साथ कि मैं लाहौर में जब ये वाला घर बन रहा था, मैं लाइट्स वगैरह लेता फिर रहा था लाहौर में, और वहां पे एक दुकान में मैं गया लाइट्स लेने, मैंने उसे बोला भाई मुझे ये फनूस दिखा अच्छे अच्छे। अब वो तीन लोग वहां पे बैठे हैं दुकानदारी सारी साइड पे, वो तीनों पबजी खेल रहे हैं। भाई भाई बस दो मिनट रुक जाओ, पांच मिनट खड़े जो हमारा मैच खत्म हो गया, इसके बाद मैं आपको सारे फनूस दिखाता। मैं कहा भाई ये पबजी क्या कोई कैंसर है क्या चीज है ये जो चिपक जाती है छोड़ती नहीं है, और इतना सुना है। खेल लेते हैं आज, पहले तो इसको इंस्टॉल पबजी गेट। भाई पबजी डाउनलोड होने में मुझे लगे तकरीबन 2-2.25 घंटे, तो मैं नीचे जाके बैठ गया था, और वैसे है भी 2.4 GB की फाइल है। तो पबजी फर्स्ट इम्प्रेशन, तो अभी इसको स्टार्ट करता हूँ। यार स्टार्ट तो बिल्कुल कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह, वही उसी तरह वो दोनों गेम्स का शायद थीम एक ही है। अभी मैं खेलूंगा इसको तो पता लगेगा कॉल ऑफ ड्यूटी से कितनी डिफरेंट है ये, वरना उसमें वही बातें करते रहो बंदे खड़काते रहो, इसमें बातें करते रहो बंदे खड़काते रहो। पबजी लवर। वैसे जो चैनल का नाम है ना, मेरे कैप इस तरह से ली होनी चाहिए मुझे। यार इसने मुझसे किसी मैप वगैरह का ऑप्शन ही नहीं मांगा, मेरे पास बंदूकें शंदूकें भी नहीं आ रही, मुक्के कैसे घुमाऊं मैं? अबे यार तो करना क्या है पबजी में भाई? अच्छा पबजी वाला वो आ रहे हो कमेंट्स में, मेरी ना मिट्टी पलीत कर दो। अच्छा मतलब जो लोग पबजी खेलते हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हम आपस में टीम्स बना लेते हैं और उसके बाद खुद मैप सेलेक्ट करते हैं और फिर जाके खेलते हैं? इसने मुझे एक ही ऑप्शन दी कि आ डेक पे ही मेरा बंदा, इसने मुझे एक ही ऑप्शन दी कि भाई स्टार्ट। या मैं पहली दफ़ा खेल रहा हूँ इस वजह से मुझे इस तरह ऑप्शन मिली है। ज़मीन वाले छूकते ही जा रहे हैं भाई, थले जाके डिगेंगे। आहो ओहो हवाएं लग रही हैं, आह मज़े आ रहे हैं जी, हवाएं लग रही हैं। रोज़ी की हालत में इस तरह हवाओं की सैर करना, ओहो हो आह। ए उतरो जी, लैंडिंग करो लैंडिंग। अच्छा छाते ना डिग रही है, ओहो छत पे गिर गया। ओ काणिया। अच्छा अब भाई ओह आह पिस्टल मिली, एक और चीज़ मिली मुझे कुछ, ये फिर कुछ पड़ा हुआ इधर। अच्छा अच्छा ये सीन है इसके अंदर, चीज़ें उठानी है भाई। चल भाई माल रोड डाल चल। ओई बड़ी चीज़ें उठा रहा है यार ये तो, चोर का बच्चा। सही है। अच्छा मुझे लग रहा है कि अभी जितनी चीज़ें पिक कर सकते हैं वो कर लो, उसके बाद मैदान जंग में चले जाना है। सही है, तुम्हें मार देना मैंने। यार इसमें निशाना तानने वाला कोई सीन नहीं है। इसको मारता हूँ ये आंटी जो घूमी जा रही है। खैर बंदूक ले, मार दे। ओए ये हेलमेट कैसे लिए इसने? भाई किधर से जाना है मेरे को भी बता दो यार। ओहो ये बंदा फिर रहा है, बहुत ये बंदा फिर रहा है, ये मैंने मारा।
वाह 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 वाह, ऐसे मारा यार, मेरे पास गोलियां खत्म हो गई यार। तो यार कैसे इसको निशाना लेना बोलो, ये मैं बंदे ही मार रहा हूँ, कुछ और मार रहा हूँ मैं। ओए मुझे इसका खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया भाई। ओए ओए एक और बंदा, एक और बंदा, एक और बंदा, एक और बंदा, एक और बंदा। ए यार बेटा यार गोलियां खत्म है यार, अब क्या करूं मैं ना, मेरा मुक्का वापस आ रहा है, मुझे नहीं पता मुक्का कहाँ से लेके आना है। ओए ओए गोलियां कहाँ से आई अब, इज देयर एनीबॉडी होम। ओए होए 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 होए, ओए ओए गोलियां किधर से आ रही हैं, गोलियां किधर से आ रही हैं यार, शिट। किधर है तू, तू तेरी ये रहा, ये रहा, ए मारी गोली, ए ये मारी, चल यार शिट यार, एंड टाइम पे आके मेरा वो खत्म हो जाता था। ये बंदा फड़काया आपके भाई ने। टू किल्स हो गई है मेरी पबजी में यार। ये पबजी के अंदर उस तरह से लोग सामने, मतलब मुझे कहीं से गोली आके ठुकती है ना तौन दे विच, तब मुझे पता लगता है कि कुछ है इधर उधर, वरना मुझे बंदे नहीं मिल रहे, या तो मैप बहुत ज्यादा बड़ा है या क्या सीन है। हेलो हिम्मत है तो सामने आओ, मजे की लग रही है खेलने में, तो मैं अभी देखता हूँ मेरे दोस्तों में कोई पबजी वबजी खेलता है तो उसके साथ जरा खेल के ना ट्रेंड होता हूँ। अभी सारी गोलियां जाया कर दूंगा मैं, और अब बस हाँ एह आहा, ओहो ओहो गोली की आवाज़ जैसे भाई से ज़्यादा मैं आज नहीं खेल रहा। और लेकिन इसमें ये मेरे साथ वो नहीं हुआ जो सी एस गो में हुआ था। सी एस गो में ये सीन हुआ कि जब मैंने अपना ये गेमिंग पीसी बनवाया था, उमेर और एक दो और मेरे दोस्त सी एस गो खेलते हैं, मैं आऊँगा तो इकट्ठे ज़रा ना वो स्ट्रीम पे मेरे ख्याल से, तो मैंने सी एस गो की, मैंने उमेर के बगैर मैंने सोचा एक मैप लगाता हूँ ताकि मुझे ज़रा आइडिया तो हो क्या चीज़ है क्या नहीं है। और वो उसके अंदर मैं अपनी गन्ने शन्ने लेके मैं निकला हूँ, निकलते ही बस एक बंदा मुझे सामने बस ऐसे नैनो सेकंड के लिए नज़र आया, उसके बाद मुझे अपनी मौत नज़र आई, फिर दो दो तीन सेकंड बाद मैं जिंदा हुआ, फिर मैं सामने गया, फिर मर गया, फिर सामने गया, फिर मर गया। मैंने उसको बंद किया और जाके मैंने फौरन सी एस गो को कर दिया डिलीट, मैंने कहा अपनी ज़िंदगी का ऐसा काम इच नहीं है, बंद, नो सी एस गो। लेकिन आज पबजी में मेरे साथ वो नहीं हुआ, पबजी में आपका भाई बड़ी देर जिंदा रहा है। अच्छा खासा अरसा हो गया ना मैं जिम गया हूँ, ना मैं रनिंग कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, और सारे मसल वसल जो है ना वो सारे मसल्स के मसाइल्स बनने लग गए हैं। अभी मैं सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि रमज़ान ख़त्म हो और सुबह सुबह उठ के फजर के बाद जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, उस टाइम मैं कम अज़ कम जाके बाहर रोड्स के ऊपर रनिंग या वॉक नॉर्मली कर सकता हूँ, और ये मैं करूँगा अभी ईद के बाद। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब भाई को करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और फिर आऊँगा। बड़ा तो बना फिर रहा गेमर, जिंदगी में कभी तूने गेम खेली नहीं है, इस लॉकडाउन के अंदर हर वो बंदा गेम खेल रहा है जिसने जिंदगी में कभी गेम नहीं खेली, ये काम डक्की भाई का है तो डक्की भाई को ही करने दो। अबे चुप कर जा, तुम इस पंगे में ना पड़ो, रिकॉर्डिंग यार।